नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। दोस्तों इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि वोडाफोन का स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन दोस्तों इसकी क्लोजिंग हुई है 9.87 के रेट पर। ठीक है, मतलब ये थोड़ा नीचे आ गया, नीचे को सरक गया। इससे पहले एक दिन पहले ये 10 रुपए कुछ समथिंग था, अभी 9.87 रुपए ये आ चुका है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ये जो है वीकली डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। ये एक वीक का डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड है, मतलब यहाँ पे खरीदार हैं, यहाँ पे बायर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं, प्राइस को जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो जब यहां से खरीदारी होगी तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक ऊपर की ओर ही जाएगा। कहां तक जाएगा? इस वाले सप्लाई जोन तक। अब यहां पे सप्लाई है तो यहां से वापस नीचे आएगा। ठीक है, अब ये स्टॉक अब क्या करेगा, आगे इसमें क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, काफी सारे लोगों ने इसको बाय किया हुआ है और होल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक पैनी स्टॉक बन चुका है। ठीक है, कभी इसकी प्राइस 200 रुपए सवा 200 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब ये पैनी स्टॉक बन चुका है। पैनी स्टॉक छोटे स्टॉक होते हैं जिनकी प्राइस 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए होती है, और पैनी स्टॉक में ज्यादा पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो पैनी स्टॉक में कभी भी ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप 100-150 वाले स्टॉक में ही पैसा लगाओ, पैनी स्टॉक में मत लगाओ। ये सोच के मत लगाओ कि भाई स्टॉक का रेट बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब उसको खरीद लो वो बढ़ जाएगा, हमारी किस्मत चमक जाएगी, हमारा पैसा 3x 4x 5 गुना हो जाएगा, ये सोचकर के पैसा मत लगाओ। पहले कंपनी के बारे में भी जान लो। वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम कंपनी है और इसकी हालत आप सभी जानते हैं। लोग जो है अब वोडाफोन आइडिया को यूज नहीं करते क्योंकि ये 4G अभी इसका सिर्फ 4G चल रहा है, 5G नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको अब इसमें से यूजर जो है अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको जा रहे हैं, निकल रहे हैं। कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कर्जा है। ठीक है, कंपनी हर साल अपना लॉस करती है, लॉस बुक करती है, प्रॉफिट ही नहीं कर रही। तो गाइस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी को हर साल लॉस हो रहा है। अभी 3 महीने का इसका प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इसने लगभग 6,500 करोड़ का लॉस किया है। 6,500 करोड़ का लॉस हो चुका है वोडाफोन आइडिया कंपनी को पिछले 3 महीने के अंदर अंदर, और 1 साल के अंदर अंदर उससे भी ज्यादा का लॉस हुआ है, लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का लॉस। तो हर साल ये लॉस करती आ रही है, हर 3 महीने में इसको लॉस हो रहा है, तो कंपनी पे ऑलरेडी कर्जा भी चढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंपनी में आप पैसा लगा क्यों रहे हो? तो फंडामेंटल भी चेक किया करो कि फंडामेंटल के हिसाब से ये देखा करो, कंपनी पे कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, सारा ये सारा कुछ देखा करो, तब उसमें पैसा लगाया करो। और अगर आपको पैसा पैनी स्टॉक में ही लगाना है, आप चाह रहे हो कि पैनी स्टॉक में पैसा लगा के उससे हम ज्यादा से ज्यादा कमा लेंगे, तो स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस भी जरूर रखो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तब भी स्टॉप लॉस रखो, अगर आप डिलीवरी में लेके उसको रख रहे हो तब भी आप स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगा के काम करो। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा नहीं रखा मुझे नहीं पता, बट उनको लॉस ही लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है, तो वो जरा सा भी टेक्निकल नहीं देख रहे, जरा सा भी फंडामेंटल नहीं देख रहे, बस पैसा लगा रहे हैं बिना सोचे समझे बिना सीखे, तो ये चीज मत किया करो। तो अब मैं आपको बताता हूं इसमें होने क्या वाला है। देखो एक मंथली, देखो मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की ओर आई है, फिर एक वीकली का इसने जोन बनाया है सप्लाई जोन। पहले तो मंथली के सप्लाई जोन से, यानी कि इसका जो रेट था वो लगभग कितना था, 17 रुपए का रेट था, उसी के बीच में थी ये प्राइस। वहां से प्राइस ड्रॉप हुई, फिर वीकली का सप्लाई जोन बनाया, वहां से भी ड्रॉप कर गई, लगातार ड्रॉप ही। तो ये देखो ना, 17 से 16 15 14 13 12 11 10 9 लगातार गिर रही है प्राइस। ठीक है, तो इसमें ज्यादा पैसा मत लगाओ, जिन लोगों ने लगा दिया है और वो लॉस में चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा होल्ड करके रखें। ठीक है, हो सकता है ये प्राइस ऊपर की ओर चली जाए, हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो है इसके बारे में नेगेटिव ही बताया है। ठीक है, कि ये प्राइस गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है। देखो बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर है वो तो बढ़ रहे हैं,
तो ये भी तो टेलीकॉम कंपनी है, तो उसको भी बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से, बड़ी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। बट अगर टेक्निकल के हिसाब से मैं बताऊं तो इसको ऊपर जाना चाहिए क्योंकि यहां पे डिमांड है। फंडामेंटल के हिसाब से तो ये स्टॉक गिरेगा, चांस है इसके गिरने के, ठीक है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा कर्जा भी है और कंपनी के जो यूजर्स हैं वो इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया में मेरे हिसाब से अब कोई भी नया बंदा आकर के पैसा ना लगाए, इन्वेस्टमेंट ना करे, ठीक है। मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि पैसा मत लगाओ, और फिर भी लगाना चाहते हो तो कम से कम लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी मत लगाओ, ठीक है, लगाओ थोड़ा बहुत लगाओ, बहुत मतलब लाख दो लाख रुपए मत लगाओ, 5-10 हजार रुपए लगा दो, उतना बहुत है, लगा के ट्राई कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने लगा रखा है 50,000, 1,00,000, 10,00,000 जो भी लगा रखा है, वो लोग होल्ड करके रखेंगे और इंतजार करेंगे कम से कम एक हफ्ते का, एक हफ्ता या 15 दिन या मैक्सिमम एक महीने तक का इंतजार करो, हो सकता है प्राइस ऊपर की ओर आ जाए, क्या पता 12 रुपए तक चली जाए, तो 12 रुपए पे निकल जाना, 12 रुपए तक जाएगी तो निकल जाना, 13 रुपए पे आएगी तो निकल जाना, इस वीकली सप्लाई जोन को तोड़ेगी तो इस वाले जोन पे निकल जाना, कितना 15.5 के आसपास निकल जाना, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेगी निकलते जाना, मतलब चाहे आपको लॉस में निकलना पड़े, थोड़े बहुत लॉस में निकल जाना, ठीक है। जैसे प्राइस ऊपर बढ़ी, किसी को थोड़ा सा लॉस और थोड़ा प्रॉफिट हो गया, या फिर कम लॉस हो रहा है, तो वो यहां पे निकले, कोई यहां पे निकले, कोई यहां पे निकले, कोई यहां पे निकले, तो निकलते रहना बेच बेच के, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अब कुछ पता नहीं है, ये नीचे भी आ सकती है, कितना नीचे आएगी वो भी मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, अब ये 9.87 के रेट पे चल रहा है इसका प्राइस, ठीक है। अब मैंने एक डिमांड जोन यहां पे जो बनाया है उसके नीचे स्टॉप लॉस का भी बताया है मैंने सभी को अपनी पिछली वीडियो में, उस वीडियो को जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कार्ट वगैरह में उसका लिंक मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ठीक है। वीकली इसको एनालाइज करके बताया है उसमें कि इसका प्राइस बढ़ेगा, बढ़ सकता है, टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग बताया है कि प्राइस बढ़ सकता है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग प्राइस ना तो बढ़ेगा ना गिरेगा, बट टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस की बढ़ने की ही उम्मीद है, ठीक है। आप खुद देखो ना, यहां पे डिमांड है, तो डिमांड क्या प्राइस को गिरने दे सकती है, नहीं गिरने दे सकती, जाहिर सी बात है रिट्रेस तो करेगा ना, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर तो जाएगा, लगातार थोड़ी गिरेगा। अब आप देखो यहां पर यह लगातार गिरा है, मंथली के सप्लाई जोन से रिएक्ट करते हुए फिर यहां से रिट्रेस करने के लिए ऊपर भी तो गया है ना, तो किसी ने यहां से यहां तक का भी तो मूव कैच किया होगा ना, फिर यहां पे गिरा है, फिर दोबारा यहां से यहां तक भी तो आया है ना, बड़ा भी तो है ना, फिर ये गिरा है, तो जब यहां गिरा है तो यहां से गिर के दोबारा बढ़ सकता है ना, उम्मीद तो है ना। अब आपको मैं बताता हूं कि ये बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। देखो, एक तो यहां पे बाइंग प्रेशर है, नीचे की विक है, बाइंग प्रेशर है, अब बाइंग प्रेशर है तो यहां से ये बढ़ा है ना, बढ़ के बढ़ा है ना, फिर गिरा है ये, अब यहां भी तो बाइंग प्रेशर है, यहां भी बाइंग प्रेशर है, नीचे विक है ना, आप देख सकते हो यहां पे बाइंग प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है, यानी कि लोग इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने के लिए, इस रेट पे इसको खरीदने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अब ये यहां से हो सकता है कि बढ़ जाए, और अगर नहीं बढ़ा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना, नहीं बढ़ा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना, ऐसी मेरी आपको सलाह है, ठीक है। कहां पे 9.47 रुपए पर निकल जाना, अभी 9.87 रुपए इसका रेट चल रहा है, अगर ये प्राइस नीचे की ओर सरकता है तो 9.47 रुपए पे आपको निकलना है, बेचना है, बेच करके क्लोज कर देना उसको, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये इसने 9.47 रुपए को क्रॉस किया तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट रेट है इसका, लाइन है, तो ये और नीचे आएगा 9.47 रुपए को अगर इसने क्रॉस किया, ये और नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, ये आ सकता है 8 रुपए 7 रुपए तक जा सकता है, ये 7 रुपए तक तो नहीं जाएगा, 8 रुपए 7.5 तक 7.5 रुपए तक चला जाएगा अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर इसने 9.47 रुपए को क्रॉस किया तो, और अगर नहीं किया तो ये यहां से फिर ऊपर जाएगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब ऊपर आएगा तो लोग बेचेंगे भी खरीदेंगे भी, तो इसको समय लगेगा, इसको टाइम लगेगा बढ़ने में,
गिरेगा तो जल्दी गिर जाएगा, बढ़ेगा तो देर से बढ़ेगा, गिरेगा तो जल्दी जल्दी गिरेगा और बढ़ेगा तो देरी से बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति में है ये स्टॉक अभी, ठीक है। फैसला आपका है दोस्तों कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है इसका फंडामेंटल भी बता दिया मैंने आपको कि इसकी क्या हालत है अभी, और टेक्निकल भी मैंने आपको बता दिया है कि अभी किस स्थिति में है ये। तो अब आपको क्या करना है वो आप खुद सोचिएगा आपको क्या करना है। सो गाइज, ये थी लेटेस्ट न्यूज वोडाफोन आइडिया स्टॉक के ऊपर जो मैंने आप तक पहुंचाई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। 24 घंटे में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहो क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह से अलग अलग स्टॉक को एनालाइज करता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि आपको क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। सो गाइज, इसी तरह से मुझे फॉलो करते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए और ट्रेड सक्सेसफुली लेते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह से अलग अलग वीडियोस लाता रहता हूँ, उनको एनालाइज करके आप तक पहुंचाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।